भय विहोल हुओ नाही कारण मु तुमर सहवर्ती, विभ्रांत हुओ नाही कारण मु तुमर ईश्वर। मु तुमको शक्तिशाली करी वो तुमको साहाज्य करी। ख्रीष्टंक जोगरे मो प्रिय भाई भौणी माने समस्तंकु जय जीशु। आजि पवित्र माता मंडळी को सह मिलित भावे आमे प्रभु जीशुंकर रूपांतर पर्व को पालन करूअछु। इति अवसर रे माथु लिखित सुसमाचार 17 अध्याय तार 1-9 पद को उर्धृत करी तार किछि अंश को आमे बुझिबा पई चेष्टा करिबा एवं प्रभु जीशुंकर एही रूपांतरर मुख्यांश गुड़िक कौन से विषय आम किछि मात्रा रे बुझिबा पई चेष्टा करिबा। माथु लिखित सुसमाचार 17 अध्याय तार 1 पदरे 6 दिन परे प्रभु जीशु निजर 3 जन अति प्रिय शिष्य मानंकु पितर जाकब जहनंकु सांगरे नै एकांतरे गोटाए उच्च पर्वत को गले। मध्यरे संख्या 6 आम माने बुझिबा पई चेष्टा करिबा। संख्या 6 आम मानक पई अति दरकार बुझिबा पई जे एही पिता ईश्वर एही 6 दिन मध्यरे समग्र जगत एवं मनुष्य जाति को सृष्टि करथिले जहा कि अति उत्तम थिला किंतु ताहा समाप्त होइ नथिला। आउ ताहा केते बेले समाप्त हेला जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही जगत को आसी मनुष्य जाति को उद्धार करी सारिबा परे से मृत्यु वरण करी उत्थित होइ सारिबा परे जेते बेले निज पितांक निकट को स्वर्ग को आरोहण करी गले सेही समय रे तार परिसमाप्ति आम माने देखिबा को पाउछु। प्रभु जीशु निजर शिष्य मानंकु पर्वत ऊपर को नेई गले। काहिं कि नेले पर्वत ऊपर को नेई कि गले से मानंकु मध्यस्थता रे निज को प्रस्तुत करैबा पई। एई पर्वत रो विषय को आमे बुझिबा पई चेष्टा करिबा। एही पर्वत हेउछि प्रभुंकर उपस्थितिर चिन्ह जेउथिरे आमे देखु माथु लिखित सुसमाचार 4 अध्याय तार 8 पद सेइथिरे पिशाच द्वारा पर्वत उपरे प्रभु जीशुंकु परीक्षा विषय आमे देखु। माथु लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पदरे आमे देखु निजे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जनगहली को पर्वत उपरे शिक्षा देवा विषय। आउ सेही भली मध्य माथु लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पदरे आमे देखिबा को पाऊ अनेक कार्य ओ आरोग्य संपादन कार्य गुड़िक पर्वत उपरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट करिवार आमे देखुअछु। सेही भली माथु लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 1 पदरे जहाँ कि आज आमे माने बुझुचु प्रभु जीशुंकर रूप धारण करिबा बा रूपांतर को आमे चिन्हि पारुछु। सेही भली माथु लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 3 पदरे मध्य जीशुंकर शेष शिक्षा अलिबेत पर्वत उपरे जुग शेष बा जुग शेषर संकेत को आमे माने देखुअछु। एही परिप्रेक्षीरे आमे माने बुझिबा पई चेष्टा करिबा जे रूपांतर कौन। एही रूपांतर रो अर्थ हेउछि प्रभु जीशु निजे मनुष्यर रूप को परिवर्तन करी ऐश्वरिक रूप को से आच्छादित करूछन्ति निज शिष्य मानक गहण रे। तबे एही रूपांतरित एही रूपांतर समय रे पिता ईश्वरंकर सह मोसा वो एलिजा प्रवक्ता ए दुहे मध्य मेघ बाहन रे प्रभु जीशुंक सह
कथा भाषार विषय आम देखा पाऊ। मशा किए यही मशा हेउछन्ति नियम को प्रतिनिधित्व करुथिबा व्यक्ति आउ से आम देखा पाऊ ताहांकर अनेक सामंजस्य अछि जीशुंक सह केमिति ना से निजे 40 दिन 40 रात्रि उपवास वो प्रार्थना करिथिले प्रभु जीशुंक भळी एवं से मध्य जीशुंक भळी अनेक आश्चर्य कर्म गुड़िक करिथिले इस्राएल जाति मानंक सकासे आउ से निजे इस्राएल जाति मानंक सकासे पिता ईश्वरंक द्वारा 10 नियम प्रदान करिथिले पुरातन इस्राएल जातिंकु आउ ठीक सही बोली प्रभु जीशु मध्य नूतन इस्राएल को अर्थात आम समस्त दुईटी नूतन नियम प्रदान कराकि आम परस्पर को प्रेम करिबा एवं अन्य मानकु क्षमा प्रदान करिबा आउ सही भली आमे देखुअछु एलिजा जे कि प्रतिनिधित्व करती प्रवक्ता मानकु आउ एलिजा प्रवक्तांकर विषय मध्ये आमे जेतेबेले देखुअछु से मध्य प्रभु जीशुंक भली 40 दिन 40 राति उपवास थिबा विषय आमे माने विश्वास करू एवं से मध्य अनेक आश्चर्य कर्म गुड़िक करिथिले ताहांकर जीवन काल रे आमे विश्वास करूछु ताहांकर जीवन काल रे से मृत्युवरण करिनथिले किंतु ताहांकु अस्प साहाज्य रे घोड़ा रथ साहाज्य रे स्वर्ग आड़कु आरोहण करिया विषय मध्य आमे विश्वास करूछु। इति अवसर रे एई दुई जण महान व्यक्ति माने पिता ईश्वरंकर माध्यस्थता रे पिता ईश्वरंकर सह जड़ित होई जीशुंकु जे कथा भाषा करूछन्ति सेई मध्य रे एई दुई जण प्रतिनिधित्व करूछन्ति स्वर्ग को एवं जीशुंक सह तीन जण शिष्य माने प्रतिनिधित्व करूछन्ति मर्त्य को एई जगत को जाकब पितर जाकब वो जहन एही जगत को से माने प्रतिनिधित्व करिबा विषय आमे माने देखुअछु। इति अवसर रे पिता ईश्वर निजे संतुष्ट होई से प्रकाश सेई मेघ बाहन रे आच्छादन होई निजे प्रकाश करूछन्ति जहाँकि आमे देखुअछु आज सुसमाचार रे माथुलिखित सुसमाचार 17 अध्याय तार 6 पदरे एही मोर प्रिय पुत्र जहाँक ठारे मु अति संतुष्ट ताहांकर कथा शुण आम माने समस्ते ताहांकर कथा को शुणिबा को अछि आउ से ही आम मानकर एकमात्र रक्षक तेणु जीशु पर्वत को नेबार अर्थ हैला निजर शिष्य मान को पर्वत ऊपर को नेबार अर्थ हैला निजे आब्बा र उपस्थिति को अनुभूति करिबा पाई निज पितांकर उपस्थिति को अनुभूति करिबा पाई से निजर शिष्य मानकु सेई ताबोर पर्वत ऊपर को नहीं जाइथिले तेणु से शिष्य मानकु सेई पर्वत ऊपर को नहींथिले सेई मनुष्यतर प्रकृति रु निजे ऐश्वरिक शक्ति को निजे निजर शिष्य मानकु प्रकाश करिया पाई सेई पर्वत ऊपर को नहीं जाइथिले। मो प्रिय भाई भौणी माने इति अवसर रे आमे एही प्रभु जीशुंकर रूपांतर पर्व पालन करिबा अवसर रे आमे प्रभुंकर एही महान कार्य को आमे जानिबा पई चेष्टा करिबा बुझिबा पई चेष्टा करिबा ताहांकर सेही ऐश्वरिक शक्ति को आमे बुझिबा एवं ताहांकु ही आमे पूजा आराधना करिबा एवं ताहांकर माध्यस्थता रे आम मानकर समस्त कार्य को आमे करिबा पई चेष्टा करिबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु एवं से ताहांकर आलोक रे आम समस्त को आलोकित करंतु आमर सकल पाप दोष को क्षमा करंतु एवं ताहांकर माध्यस्थता रे आमे एही जगत को विजय प्राप्त होई परिबा सेही आशा नै आमे माने प्रभुंक निकट रे भरोसा रखी प्रभुंक निकट रे आस्था रखी ताहांकर माध्यस्थ भिक्षा करिबा। समस्त को पुणि थरे मोर जय जीशु। Thank you.